हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नो के चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन 2019 की वैकेंसी की रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, आज जो है सी डब्ल्यू सी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को CWC, तो आज CWC का जो है रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कैसे आप इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, क्या कट ऑफ रहेगी और कैसी मेरिट लिस्ट गई है, तो इस सब के बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो देख सकते हैं आपके सामने, ये प्रोसेस मैंने आपके सामने खोल दिया है कि CWC वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2019 12 फरवरी की ये जो वैकेंसी थी 3:04 मिनट पे आई थी, और लास्ट जो अपडेट हुआ 21 जून, यानी कि कल का ये अपडेट है 2:10 की, जब इसका रिजल्ट आया कल के डेट में। तो आप यहाँ पे देखिए, शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको बता देना चाहता हूँ। तो ये CWC/1 मैन पावर DR रिक्रूटमेंट 2019 शॉर्ट डिटेल्स है। एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 15 फरवरी से, 16 मार्च को इसकी लास्ट डेट थी, और 28 से 30 मई के बीच इसका एग्ज़ाम हुआ था, और एडमिट कार्ड जो मिला था आपको 9 मई को, और एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया है वो है 21 जून को। ओवरऑल पोस्ट इसमें जो थी वो 571 पोस्ट थी। एज लिमिट जो थी वो 16 मार्च 2019 से की गई थी। जूनियर सुपरिटेंडेंट का पोस्ट था, जनरल वालों के लिए 68 पोस्ट था, EWS वालों के लिए 15 पोस्ट, OBC के लिए 40 पोस्ट, SC के लिए 19 और 13 पोस्ट थी ST के लिए। इस प्रकार टोटल 155 पोस्ट थी, और मैक्सिमम एज जो दी गई थी इसमें 30 साल, और एलिजिबिलिटी जो थी वो थी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ये मायने नहीं रखता। अब सेकंड पोस्ट की बात कर ले तो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट थी जनरल की, इसमें टोटल पोस्ट थी 88 पोस्ट, और इसकी भी एज वही 30 साल थी मैक्सिमम, और मास्टर इसमें डिग्री मांगा गया था, इसमें ग्रेजुएशन से एक डिग्री ऊपर थी, मास्टर डिग्री इसमें मांगा गया था। और तीसरी पोस्ट कर ले तो असिस्टेंट इंजीनियर यानी AE की थी सिविल में, और टोटल पोस्ट थी इसमें 18, और मैक्सिमम एज इसमें भी 30 ईयर्स थी, और इसकी क्वालिफिकेशन BA BTech थी, और सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब चौथी पोस्ट की बात करें तो अकाउंटेंट की थी, इसमें 28 पोस्ट थी, इसमें डिग्री थी कॉमर्स के लिए था, CA वाले भी इसमें एग्जाम दे सकते थे। जूनियर टेक्निकल 5वीं पोस्ट है, असिस्टेंट JTE जिसे कहते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट थी यानी 238 पोस्ट। जी हाँ, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो थी इस कैटेगरी में आई थी, और इसके लिए थी बैचलर डिग्री इन वन फॉलोइंग सब्जेक्ट जूलॉजी केमिस्ट्री और बायोलॉजी केमिस्ट्री। तो आपको इसमें सब्जेक्ट में से किसी में भी एक में आपको जो है डिग्री होना अनिवार्य था। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, टोटल हिंदी ट्रांसलेटर भी पोस्ट थी, ये सब टारगेट पोस्ट कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। देख सकते हैं, डाउनलोड जूनियर सुपरिटेंडेंट ग्रुप सी रिजल्ट 2019 का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो देख सकते हैं URL में आपको ऑफिशियली वेबसाइट है, जी हाँ दोस्तों, CWCCareer.in/CWCJobsCandidateLogin। जी हाँ दोस्तों, ये आपका लॉगिन पेज खुल चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, जी हाँ, आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है या फिर आप अपना रोल नंबर डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए ये कैप्चर कोड करना होगा उसके बाद। तो इस प्रकार जो है आप अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर इनमें से कोई भी डाल कर आप अपना चेक कर सकते हैं रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, इस तरह PDF फाइल अपडेट नहीं की गई है कि आप कोई भी चेक कर सकता है, तो जितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया वही अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो आप अपना रिजल्ट इस प्रकार चेक करके हमें कमेंट में बताइए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि हम एक अच्छी सी कट ऑफ की जो है वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर सकें, कितनी कट ऑफ जा रही है और कितना मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो दोस्तों, ये रही अपडेट CWC को लेकर, तो ये आप रिजल्ट इस प्रकार चेक करके के वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा अपने मार्क्स, ताकि हम आपको कट ऑफ बता सके कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो स्मार्ट नोगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्मार्ट नोगी चैनल आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ हमेशा सबसे आगे रखता है। साथ ही दोस्तों, स्मार्ट नोगी चैनल आपको सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।